दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हंदवाड़ा में जो 5 जवान शहीद हुए। आपने भी शायद अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों को श्रद्धांजलि दी होगी। सबसे बड़ी बात है कि जब अगर हमारे यहाँ पर कोई सैनिक शहीद होता है तो उसको लेकर के पूरा देश गमगीन हो जाता है और उसको लेकर के आंखें नम हो जाती हैं। सभी लोग अपने फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या कोई अन्य सोशल मीडिया का माध्यम हो, उस पर आप अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनको नमन करते हैं। आज सबसे बड़ा मामला यह है कि परवेज़ है, एक महूर परवेज़ छात्रा है जामिया इस्लामिया की, लॉ की छात्रा बताती हैं अपने आप को। उन्होंने कहा है कि युद्ध अपराधी हैं, वो मानव अधिकार का उल्लंघन किया है उन 5 नौजवानों ने जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ऐसी मानसिकता के लिए आप क्या कहेंगे? एक तरफ उनका परिवार आंखों में आंसू इस तरह से टूट चुके हैं और उनके अंतिम यात्रा और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरा देश गमगीन है। यहाँ पर ये छात्राएं सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणी करती हैं कि मानव अधिकार का उल्लंघन किया है। सिर्फ ठेस कौन सी है? ठेस वही है जो आपने देखा है कि जिस तरीके से अमित शाह राज्यसभा में गरजते हुए देखा था आपने कि 370 पर जान भी दे देंगे, तो वही आज इन 5 सैनिकों ने अपनी जान की आहुति दे दी। और जो आतंकवादी छुपे हुए थे, जिन परिवारों को उन्होंने बंदी बनाया था, उनको मुक्त कराने में उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी। और ये जाहिल गवार और ये अपनी जाहिलता को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर इस तरह का बयान देती हैं। ये महूर परवेज कहीं ट्रेनी भी हैं, उस कंपनी ने भी अपना नाता तोड़ दिया, कह दिया कि हमारे यहाँ तो सिर्फ ट्रेनी थी, अब हमारा कोई नाता नहीं है लॉकडाउन से पहले से। तो ये मानसिकता है, ऐसे लोगों की मानसिकता को कैसे परिवर्तन में लाया जाएगा? एक तरफ सैनिक अपनी जान की बाजी लगा करके देश की सुरक्षा करता है और दूसरी तरफ वो जो उन सैनिकों के बल पर जो सुरक्षित हैं, जो अपने घरों में शौक और शान से रह रहे हैं, आज वही लोग ऐसी आवाज़ें उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीर का जो 70 साल से जो एक मामला चला आ रहा था छेड़ा, तो और जिस तरीके से उन्होंने इस बात का भी बयान किया है कि जो कश्मीर में जो 70 साल से जो डिस्प्यूटेड का एक केस चला आ रहा था उसको लेकर के आज युद्ध अपराधी हैं ये। मतलब सीमा सुरक्षा के लिए अगर सैनिक खड़ा है तो वो युद्ध अपराधी हो गया। मानव अधिकार का उल्लंघन इनको दिखाई दे रहा है, इन जाहिलों को मानव अधिकार का उल्लंघन दिखाई दे रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने बातों ही बातों में, इशारे ही इशारों में पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी, इमरान खान की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का, वो बलूचिस्तान और गिलगित का चुनाव कराने के लिए कह रहे हैं कि वहाँ पर चुनाव कराया जाए और वो राज्य बनाया जाए, जैसा कि पाकिस्तान 4 राज्यों में विभाजित है। अब उसको लेकर के भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दिखाई है। पहले की सरकारें थी, अगर कुछ भी होता था तो पत्रबाजी होती थी। आज विदेश मंत्रालय ने भी कड़े हाथ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान POK को खाली करे, वो भारत का हिस्सा है, और कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए। और हो सकता है कि पाकिस्तान जो चुनाव कराने की कोशिश में लगा हुआ है गिलगित और बलूचिस्तान के अंदर, उन पर भी रोक लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब इस बयान को लेकर के पाकिस्तान में बहुत बड़ी हलचल मच गई है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने कश्मीर से 370 हटने के बाद पूरे विश्व में उसने रोना शुरू किया था, आज वो गिलगित और बलूचिस्तान पर विफल होता हुआ नजर आ रहा है, ताबड़तोड़ बैठकें कर रहा है, अब उसका समाधान निकालने की कोशिश में लगा है। जैसा आपने कुछ समय पहले देखा था कि बलूचिस्तान और गिलगित के लोगों ने एक आवाज़ बुलंद की थी और घेराव भी किया था इमरान खान का, और उन्होंने कहा था कि हमें आज़ाद करो, हम भारत में मिलना चाहते हैं।
अब वो समय की घड़ी बहुत नजदीक आ चुकी है। एक तरफ पूरा विश्व कोरोना की महामारी में जूझ रहा है, तो एक तरफ पाकिस्तान से पीओके की आवाज़ जो बुलंद हो रही थी, आज वो खाली करने की बात भी हिंदुस्तान ने कह दिया है। विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि बलूचिस्तान को और गिलगित को जो पीओके है, जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, उसको खाली करो। सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पाकिस्तान की हालात बिल्कुल बेहाल हो चुकी है। खाने के लिए दाने नहीं होते हैं और कश्मीर को अपने में शामिल करने की बात करते रहते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि आपको इस बात का सोचना भी बहुत ज़रूरी होगा कि धारा 370 हटी, कश्मीर का खर्चा पहले से ही हिंदुस्तान उठाता आया है, पाकिस्तान का इससे क्या लेना देना था। अब इस जो लौकी छात्रा है, इसको भी समझाना चाहिए कि जब कश्मीर का शुरू से लेके अब तक खाने का, रहने का, पीने का सब खर्चा हिंदुस्तान उठाता आया है, तो युद्ध अपराधी कैसे हुए हमारे देश के सैनिक। हमारे देश के अंदर नमक खा करके नमक हरामी करना सीखे तो ऐसे लोगों से सीखा जाए। उसके बाद एक इस्लामिक कट्टरपंथी जो गैंग है, वो सोशल मीडिया पर आकर के इस परवेज की तारीफें करने में लग गया। सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन आने शुरू हो गए। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश के अंदर अगर देश की सुरक्षा की बात की जाती है तो यही वो लोग हैं जो उस पर टांग अड़ाने की बात करते हैं, और अगर इनसे कोई राष्ट्रभक्ति या देशभक्त बंदा इंसान अगर ये कह दे कि पाकिस्तान परस्त लोग हो आप और आप अपने पाकिस्तान में ही जाकर के नमाज पढ़ो, तो इनको बुरा लग जाता है और इनके अब्बाओं को बुरा लग जाता है। उसके बाद कहते हैं कि ये किसके बाप का भारत है, ये हमारा भी भारत है। बात पाकिस्तान की परस्त की करेंगे, खाएंगे हिंदुस्तान के अंदर, सैनिकों को मानव अधिकार का उल्लंघन बता रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई आतंकी आकर के ऐसी घटना करता है और 5 सैनिक उसमें शहीद हो जाते हैं, उसको मानव अधिकार का उल्लंघन कहा गया है। ऐसे जाहिल लोगों के लिए अलग से एक कानून बनना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का देश के अंदर भवंडर बैठा हुआ है, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर 2 संतों की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अर्णब गोस्वामी के ऊपर जगह जगह FIR हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि एक ही जगह ट्रायल होगा, सारी FIR निरस्त कर दी गई। अब सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के अंदर जो 3 दलों की सरकार है, 3 दलों की सरकार इतनी बेचैन हो चुकी है, एक पत्रकार ने उन 3 दलों की सरकार की खटिया खड़ी कर रखी है, धज्जियां उड़ा रखी है। शाम को 7 बजे आकर के रिपब्लिक भारत पर जो एक पत्रकार है अर्णव गोस्वामी, वो रोज धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं, वो सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिरकार जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी के पीछे महाराष्ट्र की पुलिस पड़ी हुई है, अगर शायद संतों की निर्मम हत्या जिन्होंने की है उनके पीछे लगी होती, तो आज संतों को न्याय मिल चुका होता। आज भी वो संत जो उनकी आत्मा है वो यही कह रही होगी कि हमको आखिरकार न्याय कब मिलेगा। ऊपर से महाराष्ट्र पुलिस कांग्रेस की पार्टी है, शिवसेना है, NCP है, उनके जो दबाव में जो महाराष्ट्र की पुलिस काम कर रही है, वो कह रही है कि अर्णव गोस्वामी हमको धमका रहे हैं और हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, उसकी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं कि हमको इस तरह की सुरक्षा दी जाए। अब ये सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस, आप जानते हैं पुलिस महकमा किस तरह का होता है कि, और पुलिस को कौन धमका सकता है, इस बात को आप एहसास कर सकते हैं। आज वो पुलिस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही है कि हमको सुरक्षा दी जाए, अर्णव गोस्वामी हमको धमका रहे हैं। कितना बेहुदा सवाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट अब उस पर सुनवाई करेगा और आगे देखना होगा कि क्या उसमें निकल के आता है। अभी आखिरकार संतों की हत्या जो हुई है उस पर कोई चर्चा नहीं है और ना ही उनको न्याय मिलने की कोई उम्मीद है अभी तक,
और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग संतों की हत्या में शामिल थे उनमें से भी कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अच्छा दोस्तों, आपने ये सारी चीजें देख ली, शराब की दुकानें खुल गईं, सरकार ने आदेश दिया था कि 5 लोग से ज्यादा एक ठेके पर दिखाई नहीं देंगे, और जनता ने मतलब सरकार के जो गाइडलाइन थी उसका उल्लंघन करते हुए जनता ने यह दिखा दिया राशन की जरूरत नहीं, शराब की जरूरत है। राशन मिले ना मिले पर शराब मिल जाए, मतलब महंगी महंगी शराब। और ऐसे लोग भी मिले हैं कि वो कहते हुए नजर आए कि 100 रुपये का पौआ हमने 500 रुपये में खरीदा है और हम तो लॉकडाउन में भी पीते आए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये दिखाता है कि किस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई गईं और उसके बाद भी शराब बिक्री होती रही। ये सरकार पर भी और प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है। अब सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली सरकार ने एक सबसे बड़ा कदम, कह सकते हैं कि अच्छा कदम ही मान सकते हैं, और उन्होंने 70% की फीस दी, 70% फीस दी, शराब बढ़ा दी है, कोरोना सेस उसमें लागू कर दिया है। तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि जो बिजली पानी फ्री में देने वाली सरकार थी, अब वो शराब पर पैसा बढ़ा करके आपको बिजली फ्री में देगी, पानी फ्री में देगी सरकार से। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन है हम उसको फिल एंड फिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो केजरीवाल है दिल्ली को कहते थे कि हम, मैं आपका बेटा हूँ, बड़ा भाई हूँ, आपका पुत्र हूँ, इस तरीके की जो बातें करते थे, आज एहसास हो गया है कि दिल्ली उनसे संभाली नहीं गई। जो पुत्र का और बेटे का नाता देते थे उन्होंने ही दिल्ली में इस तरह के हालात खड़े कर दिए, लोग भागने शुरू हो गए, मजदूरों को खाना नहीं मिला, दावे बहुत बहुत बड़े होते रहे परंतु ये सारी चीजें मिथ्या नजर आई। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर दिल्ली के अंदर अब तो पेट्रोल और डीजल भी बढ़ा दिए गए। अब केजरीवाल सरकार के पास पैसे की कमी नजर आ रही है और इस तरह की जो पेट्रोल और डीजल जो बढ़ाए जा रहे हैं उस पर भी जनता ने अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज की हैं कि पानी और बिजली फ्री जो दिया जा रहा है अब क्या पेट्रोल डीजल से और शराब से निकाल करके दिल्ली की जनता को पिलाया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, जनता सोशल मीडिया पर पूरा लुफ्त उठा रही है। अब दिल्ली की जनता को ये एहसास हो गया है कि जो सरकार हमने बनाई है वो एक छलावा थी और जो अपने आप को हनुमान भक्त कहते थे वो भक्त नहीं, वो कुछ और ही निकले। दूसरी बात, जिस तरीके से वो कहते नजर आए हैं कि मैं जो करूँगा वो देश दिल्ली की जनता के लिए सब कुछ करूँगा, अब दिल्ली की जनता से ये कह रहे हैं कोरोना के साथ साथ हमको जिंदगी जीनी होगी, मतलब कोरोना को साथ में लेकर के जिंदगी जिएंगे, उसका कोई इलाज नहीं है इनके पास। ये नहीं है कि आप अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, लोगों पर पूरी पाबंदी लगाई जाए, बड़े भाई तो हैं परंतु बड़े भाई जैसी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तनवर खान ने योगी आदित्यनाथ को नमाज अदा न करने पर और उनको ऐसे बौखला गए, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि योगी आदित्यनाथ को गोली मार दी जाए। तो अब बिहार पुलिस ने और योगी सरकार की पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 24 तारीख को, ये 24 अप्रैल को लिखा था और आज उनको गिरफ्तार भी कर लिया है, उन पर तरह तरह की मुकदमा लगा करके उनको जेल भेज दिया गया है। ये सरकार इस तरह की है कि किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरत रही है, जिस तरह से लोगों के लिए, देखो सबसे बड़ी बात है कि जो पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश को माना जाता है क्योंकि यहाँ पर 23 करोड़ से ज़्यादा की आबादी यहाँ पर रहती है, अगर वो आबादी को एक मुख्यमंत्री इस तरीके से डील करता है और उनके सब का खाने पीने का, रहने सहने से लेकर के मजदूरों को आने जाने तक की पूरी जिम्मेदारी उठाता है, और अगर ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर कोई कहे कि गोली मार देनी चाहिए तो वो बक्सा नहीं जाएगा। एक मुख्यमंत्री 23 करोड़ की आबादी को भली भांति उनको डील कर रहे हैं, सब तरह से उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, किसी भी तरह की कोई किसी एक भी इंसान को परेशानी ना हो, और एक मुख्यमंत्री हैं उनसे 1.5 करोड़ से 2 करोड़ की आबादी नहीं संभाली जा रही है, वो फिर भी कहते हुए, उन्होंने सबसे पहले डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, कोरोना सेस शराब पे लगा दिया, अब वो जो
इंतजार करके बैठे थे शराबी, अब वो भी गालियां देना शुरू कर देंगे, अबे यार 100 रुपये पे 70 रुपये बढ़ा दिए, अब 100 रुपये की चीज 170 में मिलेगी। तो अब ये गुस्सा सोशल मीडिया पर पी फूट फूट करके नजर आ रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।